जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गर्मियों का मौसम है, ऐसे में घमौरियाँ बार बार हो जाया करती हैं। अब इन घमौरियों से कैसे निपटें, इनसे कैसे बचें, कैसे इनसे मुक्ति पाएं और क्या करें कि घमौरियाँ ख़त्म होने के बाद दोबारा वापस ना आए। कुछ नहीं करना, आपको बहुत आसान बहुत सरल उपाय है, क्योंकि गर्मी जब होती है तो किसी किसी की स्किन में बहुत जल्दी हो जाती है घमौरियाँ, या जिनको बहुत तेज़ धूप में घर से बाहर निकलना पड़ता है उन्हें भी अक्सर हो जाती हैं घमौरियाँ। और कहीं कहीं की धूप भी बहुत तेज़ होती है, जैसे कि हमारे यहाँ जम्मू में धूप बहुत तेज़ निकलती है। यहाँ तो ठंडक के दिनों में भी इतनी तेज़ धूप होती है जैसे कि प्लेन में गर्मी में भी नहीं होती। तो यहाँ की धूप काफ़ी ख़राब है, यहाँ भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी घमौरियाँ होती हैं। तो जिसको भी घमौरियाँ हो जाती हैं, सबसे मेन चीज़ तो कुछ पाउडर भी आते हैं जो घमौरियों के लिए अच्छे होते हैं, कारगर होते हैं घमौरियों को मारने में। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो पाउडर होते हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल ही मिले होते हैं जिनकी वजह से घमौरियाँ मर जाती हैं, और उस केमिकल की वजह से बहुत से लोगों की स्किन वो पाउडर लगाने से, घमौरी वाला पाउडर लगाने से काली हो जाती है, अजीब सी जली जली स्किन हो जाती है। तो इस समस्या से कैसे निकलें? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी घमौरियाँ भी ख़त्म हो जाएं और आपका जो पाउडर से स्किन को नुकसान पहुंच रहा है, स्किन आपकी जली जली और काली सी हो रही है, वो भी नहीं हो, तो आप थोड़ा सा मेहनत करिए, आप थोड़ी सी फिट करी ले आइए। और जब भी आप नहाते हैं, फिटकरी आपको पाउडर नहीं लाना है, फिटकरी का एक साबुन की बट्टी सी बनी हुई आती है, बिल्कुल आपको देखने में लगेगा ये सफ़ेद कलर का साबुन है, उस टाइप की जो फिटकरी आती है आप वो लेके आइए, ताकि आपको शरीर में लगाते बने। तो जब आप नहा लेते हैं, नहाने के बाद में आप वो फिटकरी पूरे शरीर में अपने मल लीजिए, चाहे वो आपका फेस ही क्यों ना हो। और उसके बाद आपको पानी से धोना नहीं है, आप बाहर आ जाइए। और आप देखेंगे, यदि आप रोज़ फिटकरी लगाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपको 2-3 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं, पुरानी घमौरियाँ हो गई हैं, तो आपको 4-5 दिन ऐसा करना पड़ सकता है, वरना 2-3 दिन में ही सारी घमौरियाँ मर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और आपकी स्किन पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके अलावा आपको करना क्या, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप अपने फिटकरी लगाएंगे, गीले अपने शरीर के ऊपर फिटकरी मलेंगे, तो आपको हल्का सा चीटी चीटी सी काटती हुई महसूस हो सकती हैं, क्योंकि मैंने पहली भी अपनी वीडियो में बताया है कि फिटकरी जब आप यूज करते हैं तो, क्योंकि फिटकरी तेज होती है, बैक्टीरिया को मारती है, तो हल्का सा आपको ऐसे महसूस होगा कि चीटी सी काट रही है। लेकिन उससे ना तो घबराने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है, वो नॉर्मल है और फिटकरी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो बस इस तरीके से हल्का सा आपको आसान सा उपाय करना, फिटकरी कोई महंगी नहीं आती है, और आप आराम से अपनी घमौरियाँ ख़त्म कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।